अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। लो कहाँ फोन पे कर रहा हूँ, अगर लो कागज फटाफट। आवंटित करेंगे वो जब सबका होने लगेगा तो सामने वाली आ ही नहीं रही है उसको निरस्त। दो पंखे बांध रखे हैं, ये बंद कर दो, क्या करना, दो पंखे का पूछो तुम भैया निकलने की व्यवस्था का। इतनी कहानी बता दी, हमारा खाना लाओ नहीं यहाँ से, ये वाला पंखे लगा दो, ताले लगा दो, देखना चाहे दुबे जी की जरूरत है। अरे बीमारी बिचारी उसके लीवर में सब इलाज चल रहे, दवाई गोली सब फेंक दिन है, वो बीमारी बिचारी मर जाएगी, उसको हार्ट अटैक में ना जाने क्या क्या है। ये महिला कब से परेशान है ये देखिए, दर्ज है आगामी जब भी आएंगे और उसको निरस्त करेंगे, कोई निरस्त नहीं करा, रात को भोजन खाली करवाए वहाँ जाके, उस समय से परेशानी अच्छी तरह जानते हैं ये। बात कर लो उनको आवंटन करा दो, आदेश हुआ है, देखो मैं लेके आपको पढ़ के सुना, महिला ये पात्र तो है ना, हाँ ये पात्र है, बता तो रहे हो ना यार, देने को तैयार है। भैया ये मल्टी पे जो है सामान खाली हो रहा है, महिला को यहाँ से नगर निगम ने बाहर भी कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे। ये कहना चाहूँगा तो यहाँ रहती है, इनका नाम है सीमा प्रजापति, ये बिचारी ये मेरी सिस्टर लगती है, ये अकेली महिला है, इनका आगे पीछे कोई भी नहीं, बिचारी एकदम अकेली गरीब महिला है। ये पहले जब आपको शायद पता होगा, आप ही ने बहुत पेपर में मामला उठाया था कि किराए कुछ लोगों ने अपात्र लोगों ने इनसे गलत तरीके से पात्र आवंटन करवा के और किराए पे चला रहे थे, उसमें बिचारी वहाँ किराए पे रहती थी पिछले एक दुबे जी के मकान में, वो भी दुबे जी का मकान था, इन्होंने बोला था कि ये मकान आप खाली मत करना और ना किराया देना, बोले ये भवन हम आवंटन निरस्त करेंगे, और इन्होंने निरस्ती का लेटर भी दिया था, वो लेटर आज भी है हमारे पास, इन्होंने निरस्ती का वो दे दिया। उसके बाद वहाँ उस महिला को बेचारे को गुंडे जा जाकर परेशान कर रहे थे कि आप खाली करो खाली करो खाली करो, बेचारी परेशान हो गई थी। उसके बाद नगर निगम में ये दुबे जी के अशोक दुबे जी के पास कम से कम महिला बेचारी 50 बार होके आई, इन्होंने ये शपथ पत्र भी लिए थे, बोला आप किराए से ले, उसका शपथ पत्र को ये शपथ पत्र दिए बेचारी ने, शपथ पत्र देने के बाद इन्होंने आवेदन लिए थे, आवेदन भी दिए। उसके बाद इनके द्वारा मेल के माध्यम से सीएम साहब को भी इन्होंने मेल किए हैं कि हमें एक भवन आवंटित किया जाए। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या मतलब क्या खाली ये हो रहा है कि ये जो भवन है इसपे नगर निगम के 3 कर्मचारी जिसमें अशोक दुबे जी भी शामिल है, इन्होंने मिला के 50,000 रुपए लिए महिला से, और ये क्या हुआ था जब किराएदार का मामला चल रहा था, ये सब पेपर लिए थे उसके बाद ही, और बोला कि आपको ये भवन आवंटित हो चुका है, और अशोक दुबे ने और दो व्यक्ति तीसरे ना के यहाँ पे ताला खोला और बेचारी को चाबी। अभी किसका भवन आवंटित है, किसी नाम किनसे नाम, ये भवन क्रमांक KG 08 है और ये सीमा प्रजापति के नाम पे इन्होंने दिया था, और आवंटित किसके नाम पे आवंटित, ये तो नगर निगम वाले बोल रहे थे विद्या प्रजापति के नाम 2018 में आवंटन हुआ था, और ये अशोक दुबे जी ने बोला था कि बोले ये भवन निरस्त हो चुका किसी का नहीं, और बोले ये आपका अलर्ट हो गया। अभी महिला कहाँ है, ये महिला को इन्होंने क्या करा, गरीब महिला बेचारी वो खाली नहीं करने दे रही थी, तो इन्होंने जबरदस्ती पुलिस वालों को बुलाया और थाने पे ले जाके बिठा दिया उसको, थाने क्या नाम है महिला का, महिला का नाम है सीमा प्रजापति, उसको थाने पे बिठा दिया और इन्होंने जबरदस्ती मकान खाली करके सामान बाहर कर दिया। आपका नाम बताओ, और इसके अंदर ये महिला बेचारी सीएम साहब के पास भोपाल गई थी, वो भोपाल सीएम साहब से नगरी प्रशासन से मिल के आई है, वहाँ पे सारा आवेदन दिया है और इन्होंने पूरी कहानी में समझाई है, भोपाल सीएम साहब के आदेश के अनुसार ये आदेश माननीय कलेक्टर महोदय देवास माननीय कमिश्नर महोदय देवास को आदेश हुआ है, इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अभी आपका नाम क्या है,
नाम बता दो आपका नाम है वीरेंद्र क्या नाम है पंजीयन राशि जमा है शेष राशि जमा नहीं होने से हमने इनको पोजीशन अभी नहीं दिया विद्यारण छोड़ दो और इनके द्वारा इसमें अतिक्रमण करके कब्जा किया गया है थाना सिविल लाइन का एक पत्र आया था कि यहाँ पर विवाद हो रहा है और इनके द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है कौन महिला है जिसने अतिक्रमण करा था सीमा प्रजापति सीमा राधेश्याम प्रजापति नाम है उनका तो हमने उनको पहले नोटिस जारी किया था उसके बाद कई बार समझाइश दी है कई बार हम लोग आए भी तो उन्होंने बार बार समय चाहा कि हमें थोड़ा समय चाहिए कुल मिला के महिला का कब्जा था या क्या अवैध कब्जा था अब तो अभी वो इसलिए आए हैं रिमूवल की वो इनको अवैध कब्जा इसमें हटाया जाना है अभी आपने क्या कराया यहाँ पर आकर अभी हम लोग यहाँ आए हैं तो वो संबंधित का बोला है भाई आप अपना सामान बाहर निकाल लो और इसमें नगर निगम का ताला लगा तो यहाँ पर महिला तो थी नहीं तो महिला थी यहाँ पर उनको फिर वो कुछ धमकी और आत्महत्या कर लूंगी कर रहे थे तो थाने का बल उनको अपने साथ ले गया ठीक है तो सामान किसने खाली कराया यहाँ पर ये नगर पालिक निगम की जो रिमूवल गेंगे ठीक है आपका नाम और पद बता दीजिए महिला जो अकेली रहेगी उसके लिए फिर कोई नगर निगम व्यवस्था करेगा उसकी यहाँ पे अपना ताला लगा दिया अकेली बता रहे महिला की अकेली है यहाँ पर रहती है ऐसा कोई निर्देश नहीं है जैसा निर्देश आएगा वैसा हम लोग कर लेंगे मेरे हिसाब में क्या दूबे अशोक है ना नगरनी में उनने बोला था मैं दो जवान उनको भेजूँ तो आप उनको मोबाइल में पैसा डाल देना तो एक को मैंने 25,000 डाला था फिर दूसरे राहुल सेंधू करके उनको 25,000 मैंने मोबाइल से डाला था मैंने डाल रखा था और बोले मेरे को है ना बोलना मत किसी को कि मैंने इतना पैसा दे रखा है और तुम दूबे आए थे मेरे घर पे तुमने बोला था कि मैं आपको चाबी दे दूंगी तो चाबी आपको दी हाँ मेरे को चाबी दे के गए थे जो नगरनी में वो कोई देते हैं ना वो उसे मल्टी में नल चालू करने वाला वो आए थे गंसारा झूम लेके आए थे और जब उनसे ताला नहीं टूटा तो उन्होंने भट्टा से ताला भी तोड़ा था और गंसारा छल्ला लेके आए थे कब से आप रह रहे हैं मेरे को हो गया साल भर से ऊपर हो गया रहते रहते लेकिन आपको कब्जा हो गया था ना नहीं कब्जा मैंने नहीं करा मेरे को चाबी थी जब ही रहने लगी चाबी किसने दी आपको मेरे को वो आए थे बिकले दुबे करके आए थे और सेंधू करके आए थे कोई राहुल सेंधू वो करके आए थे दुबे जी ने पहुंचाए थे उनके और कोई कर्मचारी भी आए थे वो नल वल चालू करते हैं ना नगर निगम वो भी आए थे फिर आपने क्या करी आगे कार्रवाई एक लेटर के मैंने कार्रवाई करी मैं शिवराज मामा करने गई थी कि मैंने इतना पैसा दे रखा है मेरे से दो व्यक्ति ने पैसा दे रखा है और आए थे मेरे को परेशान करते रहते रूम खाली करने के लिए तो मैंने बोला कि मैं रूम खाली नहीं करूंगी मैं कहां जाऊंगी ना ही मेरा पति साथ रहता है आपको उन्होंने आश्वासन दिया था पत्र में आवंटन करने का आश्वासन दिया था क्या हां दिया था उनने बोला था कलेक्टर ऑफिस फोन लगाया था उनने बोला था हमने कि तुम है ना खाली मत करवाना अपनी गाड़ी में शिवराज मामा से भी बोला था उनने आज क्या हुआ नगर निगम की टीम आई और पुलिस थाने भी गई मैडम दो मैडम गई थी बोले तुम्हारा रूम खाली होगा मैंने बोला कैसे होगा मैंने पैसा दे रखा है उसमें मैंने काम भी करा हुआ चुकी है फिर सामान निकाल दिया क्या सर मेरा सामान निकाल के बाहर पड़ा है वो पानी में मैं कहाँ जाऊँगी मैं कहाँ रहूँगी मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार है जबकि जिम्मेदार पुलिस थाना रहेगा और जबकि जिम्मेदार वो नगर निगम वाले दुबे जी रहेगा जिम्मेदार वही है आपका नाम बताइए राजू हुए वो हमारी वो सीमा प्रजापति और मेरे को हाथ से सिखाना थे और मेरी तबियत बहुत खराब रहती है आपके पास मेरा ये कागज मेरे को भोपाल से आए हुए हैं और मोहन शिवराज मामा करने भी चले गई है मैं सब दूर चल गई मैं एक जगह नहीं मैं कलेक्टर ऑफिस चले गई सब दूर चल गई मैं